अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं और एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आज मैं दिखाऊंगा नया सॉफ्टवेयर डाल के कैसे ट्रांसपोर्ट सोने पैकेज को ओपन करता है। तो आज मैं दिखाऊंगा कैसे सॉफ्टवेयर डाल के नया ओपन करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं टीवी स्पिन पे आ गया, तो ये देखिए मेरा जो सोनी का पैकेज है वो नहीं चलता है। तो इसमें सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, अभी सॉफ्टवेयर करके फिर ये चलेगा। तो उससे पहले आप लोग USB में अपना सॉफ्टवेयर ले लीजिए। ये USB में मैं सॉफ्टवेयर ले लिया, तो मैं कनेक्ट कर दिया इसको। ये देखिए, तो मैं ये ऑल पे नहीं रखने का क्योंकि मेरे को बस सॉफ्टवेयर करने का। तो ऑल में रखेगा तो आप पूरा चैनल जाएगा, फिर दोबारा ट्यूनिंग करना होगा। तो ऐसे मेरे को ट्यूनिंग करने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ऐप कोड में रख के इसको अपडेट करने लगा हूँ। तो ये देखिए अपग्रेड होने लगा है। तो इसका हार्डवेयर वर्शन है 102.02.005। ये जो अली का सॉफ्टवेयर है वही आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए अब मेरा सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये टी वी स्क्रीन में देख लीजिए आप लोग, पहले नहीं चल रहा था तो अभी चल रहा है। ऐसे करके ये हार्डवेयर वर्शन वाला जिसके पास ये रिसीवर है तो आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं। SA7 में ये ट्रांसपोर्ट सोनी सब और सोनी युवा सब चलेगा, जो फ्री में चलता है। बस इसको सॉफ्टवेयर करने का ज़रूरत पड़ता है और ये अपना आप चल जाता है। तो ये देखिए ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है, 10HD1 भी चल रहा है। तो ये तो मैं आप लोगों को डेट दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका डेट है 18 जुलाई 2019, ये लास्ट सॉफ्टवेयर आया है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और नया नया अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अस्सलाम वालेकुम।